हेलो दोस्तों, तो मैं अजय कुमार पटेल अपने इस यूट्यूब चैनल रेलवे गुड्डू में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फिलहाल हम अपने सभी मित्रों के साथ पहुंच गए हैं जमगा स्टेशन में। जमगा नाम सुन करके मज़ा ही आ गया। यहां पे जगमग सी मची हुई है दिल में, ऐसा वाला केस है यहां पे। जगमा स्टेशन बहुत प्यारा नाम लगा हमें तो फिलहाल यहाँ का। और यहाँ पे आज हम लोग सीखेंगे यार्ड और जितने भी यहाँ पे गुड्स शेड हैं, तो उन सब चीज़ों को सीखने के लिए पहुँच गए हैं सभी मित्र लोग। फिलहाल तो हम हैं यार्ड में। यार्ड मतलब वही जगह जहाँ पे पूरा लाइन्स होकर गुजरती हैं स्टेशन से। तो यहाँ पे जो यार्ड है वो यार्ड में टोटल बोलना चाहिए तो वास्तव में यहाँ पर लाइन्स की नंबर है वो है 8, लेकिन जो 6 लाइन है वो फिलहाल यार्ड से कनेक्टेड है। 2 लाइन जो है साइडिंग के लिए गई है, मतलब 2 लाइन साइडिंग में है। तो ये क्या है, एक साथ लगभग जुड़ी हुई है। बस यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको कि ये जो देख रहे हैं ये आपका है यार्ड, और इधर जो आप देख रहे हैं ये वाला पोर्शन, तो ये वाला जो पोर्शन है वो आपका गई है लूप लाइन के थ्रू जा कर के गई है आपकी साइडिंग के लिए। तो इस कारण से बोल सकते हो, लेकिन मेनली बोलना चाहिए तो इसमें क्या है 6 लाइन है। तो इसमें जो लाइन्स नंबर है वो आपको बता देता हूँ कौन कौन सी लाइन्स क्या क्या है। तो फिलहाल हम जो पहुंच चुके हैं जमगा स्टेशन में, तो जमगा स्टेशन में ये जो आप देख रहे हैं ये है आपका केबिन, जहाँ से जो पैनल रूम है वहीं पर लगे हुए हैं। यहाँ पे एसएम बैठते हैं, वो ऑपरेट करते हैं ट्रेनों का मूवमेंट को। तो यहाँ पे जो लाइन नंबर आपकी शुरू होगी वो होगी पैनल रूम से ही, तो ज़्यादातर यही शुरू होती है। तो ये है लाइन नंबर 1। जो लाइन नंबर 1 है वो है आपका कॉमन लूप लाइन है। इसके बाद जो आपका लाइन है सेकंड नंबर की लाइन, वो है आपका डाउन आउटर ज्वाइंट लाइन। मतलब क्या बोलते हैं, आउटर का ये ज्वाइंट लाइन है डाउन का। फिर जो थर्ड नंबर है वो है आपका डाउन का मेन लाइन। फिर चौथा नंबर क्या है आपका, अप का मेन लाइन है। मतलब डायरेक्टली ट्रेन को थ्रू देना है तब उन्हीं दोनों से दिया जाता है थ्रू। उसके बाद फिर आपका जो है पाँचवा नंबर की जो लाइन है वो है आपका अप का लूप है। जो देख रहे हैं वहाँ पर ट्रेन खड़ी हुई है वो जो है आपका अप का लूप। उसके पीछे में एक और ट्रेन खड़ी हुई है वो है आपका, वो भी आपका अप का लूप है। मतलब ये जो लास्ट के आप जो देख रहे हैं ये 3, 1, 2 और उसके पीछे जो है एक और 3, तो ये तीनों जो है अप के हमारे अप ट्रेन के लिए है। मतलब अप का ये हमारा मेन है, फिर ये अप का हमारा क्या है लूप लाइन है। तो ये चीज़ है। और ये जो देख रहे हैं थर्ड नंबर की, ये है आपका डाउन का मेन लाइन, डाउन गाड़ी इसी जाएगी। और ये क्या है उसके बाद वाली आपकी डाउन का, मतलब ये ज्वाइंट लाइन का हमारा क्या है डाउन आउटर समझ लीजिए, है ना। अब ये है आपका ज्वाइंट का कॉमन लूप लाइन, ये जो वास्तव में है ये आपका कॉमन लूप लाइन। तो ये है यहाँ पे टोटल 6 नंबर ऑफ लाइंस। तो चलिए फिलहाल दोस्तों के साथ चलते हैं। यही बतानी थी आपको यार्ड के बारे में जानकारी, जो हमारा जामगा का यार्ड है इसके बारे में यही जानकारी बतानी थी। तो बने रहिए ऐसी जानकारियों के लिए हमारे साथ, और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऐसी ही और भी जानकारियाँ देते रहेंगे। ये सभी जानकारियाँ फिलहाल जितने भी हमारे ट्रेन मैनेजर्स हैं, लोको पायलट्स बन के आने वाले हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एसएम जो बन के आएंगे उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब रेलवे की जो वैकेंसी में आना चाहते हैं, जो जानना चाहते हैं, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें। वो आपको तो इसके लिए विशेष तैयार रहें, पहले से जानते रहेंगे हल्का सा तो आपको ज़्यादा बेटर है, क्योंकि यहाँ आने के बाद तो आपको सीखना ही पड़ेगा। पहले ही सीख लेंगे थोड़ा बहुत जितना भी हो आपके नॉलेज के अकॉर्डिंग, तो और बेटर है, आपको असुविधा नहीं होगी कल के डेट में। जो असुविधा शायद अभी हम लोग फेस कर रहे हैं चीज़ों को एक एक करके याद करने में, समझने में। तो ये जो जानकारियाँ देते हैं ये वास्तव में हम इसके पीछे जो मेहनत करते हैं उसके बाद फिर आपको ये प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे पाते हैं। तो इसके लिए बने रहिए चैनल के साथ, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।